नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डी जे सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी हमारी चल रही है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का अब चलेगा आपका नियम नंबर 8। हम सीधे ही अपने प्रकरण पे आ रहे हैं और विसर्ग संधि का आपका नियम नंबर 8 चलेगा। अभी मैं आपको विसर्ग नियम नंबर 8 और 9 के बारे में बताऊँगी, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने नियम नंबर आपके 6 और 7 करवा चुकी हूँ, यानी आपके व्यंजन संधि, आपके स्वर संधि हो चुकी है। व्यंजन संधि के 16 नियम करा चुकी हूँ और अभी आपका जो चल रहा है आपका विसर्ग संधि का नियम नंबर 8 चलेगा। फिर इसके तत्पश्चात ही मैं आपको नियम नंबर 9 समझाऊँगी। आपके मैंने पिछली क्लास में बताया था आपका विसर्ग का प्रकृति भाव आता है, यानी जो नियम नंबर जो मैंने 7 समझाया था वो था आपका विसर्ग का प्रकृति भाव, यानी विसर्ग ज्यों का त्यों ही रहता है, विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो आपका नियम नंबर मैंने 7 समझाया था उसमें आपको विसर्ग का बताया था, आपका विसर्ग यूं की त्यों ही रहता है, यानी विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि शब्द आता है अतेव आपका, जैसे कि मैंने सुबह की आप जो क्लास थी, यानी पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने शब्दों का जो चयन किया था उदाहरणों का, तो उसमें मैंने बताया था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, ये है आपका। अब हम जो करेंगे उसके बाद आपका, जैसे कि प्रातःकाल, पे पान, आपका ये आप शब्द थे, उनमें आपके कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा था। अब नियम नंबर हमारा चल रहा है 8। नियम नंबर 8 चल रहा है, इसमें क्या होता है, यहाँ नियम नंबर 7 में बताया था आपका विसर्ग का प्रकृति भाव, यानी जैसे कि तैसे ही रहता है। यदि विसर्ग से पहले आपका अ या आ वर्ण आए और उसके पश्चात आपका क्या वर्ण आए, का खा या फिर प और फा, यानी विसर्ग से पहले तो आपका आ या आपके आ आए और विसर्ग का मेल आपके अघोष वर्ण का और प और फा से हो तो आपका विसर्ग यूं की त्यों ही रहता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये मैंने नियम नंबर आपके 7 में समझा दिया था। फिर आता है आपका नियम नंबर 8, यहाँ आपका विसर्ग लोप हो जाएगा, लोप यानी हट जाएगा, छिप जाएगा, यानी विसर्ग का आपका हट जाएगा। ये कौन सी परिस्थिति में होता है, ये कौन सी परिस्थिति में होगा, यदि यदि विसर्ग से पहले, यदि देखिए जिसे आप मैंने परिभाषाएं लिख लीजिए, आप परिभाषा, यदि आपका विसर्ग से यदि प्रथम शब्द के, यदि प्रथम शब्द, प्रथम शब्द के अंतिम, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में विसर्ग, अंतिम ध्वनि में विसर्ग से पहले आ आ वर्ण आए, यानी विसर्ग से पहले आ आ वर्ण आए आए एवं द्वितीय शब्द में एवं इसका मेल, एवं इसका मेल द्वितीय शब्द में आए, द्वितीय शब्द में आए आ आ से भिन्न, आ आ से भिन्न, याद रखना मैं भिन्न या अलावा, आ आ से अलावा लिख लीजिए या फिर भिन्न, भिन्न कोई स्वर आए, कोई स्वर आए तो ही, आए तो ही विसर्ग का, तो ही विसर्ग का लोप होगा, तो ही विसर्ग का लोप होगा। देखिए ये मैंने आपकी नियम नंबर आपके 8 की परिभाषा मैंने लिखवा चुकी हूँ। देखिए यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में विसर्ग आए, विसर्ग से पहले आ आ आ आए एवं इसका मेल द्वितीय शब्द में आए आ आ के
अलावा या भिन्न, यानी आपका जो मेल हो रहा है वो आ से ना होकर, आपके स्वर कितने बताए थे मैंने, स्वर कितने बताए थे, 11 स्वर बताए थे, 11 स्वर बताए थे। अब इसमें से आ आ तो आपका आ गया, यानी ये तो आपके आ गया, आ और आ तो आपके आ गया। अब इसका मेल इनके अलावा, यानी यहाँ पर ये नहीं होने चाहिए और कुछ, यानी इनके अलावा, इनके अलावा दूसरे 9 स्वर होने चाहिए जो बचे हैं, तभी आपके क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा, यानी विसर्ग छुप जाएगा। इससे पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें क्या था, आपके नियम नंबर 7 में विसर्ग से पहले आ स्क्वायर तो आ रहा था, विसर्ग का मेल भी हो रहा था, लेकिन अघोष वर्ण आ रहे थे, का खा और आपके पा और फा आ रहे थे, तब आपका विसर्ग यूं की त्यों हो रहा था, ठीक है। तो ये उसमें गया था। अब आपके ये आपका नियम नंबर 9 है, जैसे कि कल आपने करा था आधा पतन, आधा पतन, आपके पयापान, ये कुछ प्रातः काल, ये शब्द ऐसे हैं जिनमें आपके परिवर्तन विसर्ग यूं की त्यों ही रहता है। अब आपके नियम नंबर 9 में आपका विसर्ग का लोप हो जाता है। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट या इसको काल लिया होगा, आगे चलते हैं इसका स्क्रीन आपका सूत्र की तरफ। चलिए इसका सूत्र है आपके पास नियम नंबर 9 का सूत्र, देखिए आ या फिर आ की ध्वनि के बाद आपका विसर्ग आएगा, और विसर्ग के बाद जो मेल हो रहा है वो इसके अलावा अन्य 9 स्वर जो बच रहे हैं, अन्य 9 स्वर से मेल होने पर आपका विसर्ग, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। विसर्ग क्या होगा, लोप हो जाएगा, यानी आपका विसर्ग छुप जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग छुप जाएगा, विसर्ग आएगा ही नहीं। समझ में आ गया, यानी आ आ के अलावा, इसको इस तरह भी देख सकते हो इस सूत्र को, आ आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद इन, इसके अलावा, इस स्वर के अलावा, इसके इस स्वर से भिन्न, इस स्वर से भिन्न लिख लीजिए, इस स्वर से भिन्न 9 स्वर हो तो विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा। ये इसका, इस नियम को लिख लो या ऊपर वाले को लिख लो, बात एक ही है, यानी आपके इनका छुप जाएगा। जैसे कि आपको शब्द दिख रहा है अतएव मन इच्छा, मनुच्छेद पैच्छा, तपोत्तम और यशिच्छा, अगर मान लीजिए यही चीज़ हमने आपके गुण संधि के नियम में पढ़ी थी, अगर आप गौर से शब्दों को देख रहे हो तो, अतः देखिए गुणसंधि का जो नियम था वो क्या था आपका, गुणसंधि का जो मैंने नियम पढ़ाया था उसको साफ करती हूँ। पहली बार यहाँ हो रहा है विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल, लेकिन गुणसंधि में भी आपका आ या आ का मेल, आ या आ का मेल ई से होता है या ई से हो जाए, या फिर ऊ से हो या आपके ऊ से हो या फिर आपके री से, इसका तो आपके अभी आपका कोई काम नहीं, अभी इधर देखते हैं, तो आपका ए यानी एक मात्रा, आपका ओ यानी आपके फिर से एक मात्रा। अब आप देखो गौर से देखिए शब्द क्या लिखा है, अतः के बाद यदि ए आ रहा है, यानी मान लीजिए मैंने इसका विच्छेद करा, अतः, अतः के बाद मैंने करा ए, अतः के यानी आ तो आ रहा है लेकिन ए आ रहा है, और आ और ए, आ और ए आपका क्या करा रहा है, वृद्धि संधि करा रहा है, वृद्धि रूप करा रहा है, यानी आपके वृद्धि रूप, वृद्धि रूप में वृद्धि की क्या थी, आपका आ का मेल
या ए से होता है तो शिरोरेखा पर दो मात्रा पाई जाती है। अगर आपका अतीव ये पाया जाता है तो ये आपका गलत। याद रखना हम क्या कर रहे हैं, विसर्ग संधि, तो यहाँ आपका विसर्ग होगा। समझ में आया? तो अतीव आप इस तरह लिखते हो तो आपकी शुद्धिकरण के, मैं बताती हूँ संधियाँ आपकी शुद्धिकरण का काम करती हैं। अगर आप आ और ए, मान लीजिए मैंने विसर्ग नहीं लगाया, मान लीजिए आपको ये अतीव शब्द ही आपके प्रश्न में आ गया, तो आपने देखना है क्या है, फिर आ के बाद ए आ रहा है, आपको पता है वृद्धि संधि का नियम है, आ के बाद ए आया तो आपका वृद्धि रूप ले लेता है यानी ए बन जाता है। तो अपन क्या करेंगे भाई, दो मात्रा दिख रही है अतीव, तो अपन सही से करेंगे, जबकि शुद्ध रूप क्या है, विसर्ग आएगा अ के बाद ए आएगा तब आपका विसर्ग का लोप हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा, अतीव। समझ में आया? ये आपके शुद्धिकरण का काम करती हैं संधियाँ। मैं बार बार इस शब्द को बोलती रहती हूँ कि शुद्धिकरण का काम करती हैं। तो अगर आपके लिए अतीव शब्द ये मिलता है तो ये गलत। शुद्ध शब्द क्या है, अतः, अतः के बाद आपका विसर्ग आएगा, फिर आपका आ से भिन्न यानी आ, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही, फिर उसके बाद विसर्ग, और विसर्ग का मेल यानी इसका मेल किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो विसर्ग क्या होगा, छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, शब्द आया ये। फिर आता है मनहा, मनहा के बाद इच्छा। अब आपने देखा अगर आपको मनोच्छा ये शब्द दिखता है तो ये आपका पूरी तरह गलत। शुद्ध शब्द क्या है, मना इच्छा, शुद्ध रूप क्या है, मना इच्छा। फिर आता है मना, ये मन इच्छा होगा, ये एक ही मात्रा लगेगी, मन इच्छा। फिर अगर आपके पास मना धन उच्छेद आता है, मना धन उच्छेद, तो आपका ये रूप अगर आपको ये मिलता है मनोच्छेद तो ये आपका पूरी तरह गलत, क्योंकि यहाँ आपका गुण रूप नहीं हो रहा, ये आपका क्या है, आ के बाद ही आता है तो गुण संधि का नियम, आ के बाद हुआ आता है तो गुण संधि का नियम, यहाँ आपका गुण रूप नहीं हो रहा, यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो रही है यानी विसर्ग आपका छुप जाएगा। फिर आता है पै इच्छा, पया धन इच्छा, तो पै इच्छा आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। अगर आप पै इच्छा ये लिख रहे हो तो आपका गलत। आप क्या सोच रहे हो भाई, गुणसंधि हो रही होगी, नहीं, ये शुद्ध रूप नहीं है, ये गलत है। आ आएगा भाई, कुछ गरीब भाषा को आपको याद रखना ही पड़ेगा, यानी विसर्ग से पहले आ और उससे भिन्न आपका अन्य कोई स्वर आता है तो विसर्ग का छुप जाएगा, लोप हो जाएगा। तपा के बाद आपका विसर्ग, फिर आएगा उत्तम, फिर आएगा यश के बाद विसर्ग और इच्छा। आपको तपोत्तम ये शब्द मिलता है या फिर आपको मिलता है यश इच्छा, तो ये आपको दोनों ही शब्द आपके गलत। विसर्ग रूप है, विसर्ग संधि है, अगर आपको विसर्ग संधि दिख रही है तो तपोत्तम ये अजर आपके शब्द गलत। नियम नंबर 8 है, विसर्ग से पहले आपके आ या आ स्वर आए और उसके अलावा आपके 9 जो स्वर है उनसे आपका मेल हो, यानी आ और आ के अलावा से आपका हो तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जब हम स्वर संध्या पढ़ रहे थे तो हमने क्या करा था, विसर्ग का मेल समान स्वर से करने पर जो परिवर्तन होगा वो धीर के रूप में होगा। यदि विसर्ग आ आ से भिन्न आपके ई ई या उ उ हो तो ए या ओ में परिवर्तित हो जाएगा तो गुण संधि हो जाएगी। यदि आपका अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है या ओ या औ से होता है तो आपका वृद्धि रूप होगा ए या औ के रूप में। फिर आपने हमने यड रूप पढ़ाया था, इसको विपरीत कर दिया था, ई का मेल यदि समान स्वर से होता है ई का या ऊ का तो आपका य व रा होता है, इसी तरह आपका अयादि था, आपका जो रूप था आपका क्या बनेगा, अर या ए का मेल असमान स्वर से और ओ का मेल असमान स्वर से होगा
तो अर या अब के रूप में हमें जो परिवर्तन मिल रहा था वो हो रहा था। यहाँ पर आपके परिवर्तन क्या है, विसर्ग संधि का है, तो आपका विसर्ग आपका लोप हो जाएगा। ये आपके ध्यान देने वाली बात है, गौर से देखने वाली बातें हैं, ध्यानपूर्वक देखिए समझिए तभी चीज़ें दिमाग में अच्छी तरह भरती हैं। मैं आपको अभी पढ़ा तो रही हूँ लेकिन आपको चीज़ों को गौर से देखना ही पड़ेगा, गौर से देखने पे ही हमें चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। तो ये है आपका नियम नंबर 8। अब आगे चलते हैं हमारे नियम नंबर 9 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे उतार। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि आपका नियम नंबर 9 में अगली क्लास में बताऊँगी। आपका विसर्ग जो होगा वो राम में परिवर्तन होगा, इसकी हेडिंग लगा के छोड़ते हैं हम आपका विसर्ग जो आपका है नियम नंबर 8 करा दिया है। अब चलेगा आपका नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 में क्या है आपका विसर्ग, विसर्ग रा में परिवर्तित होगा। इससे पहले भी हम विसर्ग नियम नंबर 2 में विसर्ग को रा में परिवर्तित कर चुके हैं, विसर्ग को रा में परिवर्तित कर चुके हैं। वो कब हुआ था देखिए, जब हमने विसर्ग आपका करा था तो उससे मैं आपके आ ये के अलावा, यानी आ के अलावा, आ के से भिन्न लिख लो, आ से भिन्न, यानी ये तो नहीं आएंगे, इसके अलावा आपके ई या फिर क्या आएगा आपका ई ई, या आपके यानी आपके ई ई आ जाए या फिर ऊ ऊ आए, फिर उसका मेल विसर्ग, फिर उसका मेल मैंने किससे करवाया था आपके घोष वर्णों से करवाया था, किससे करवाया था घोष वर्णों से। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा था, राम। लेकिन यहाँ क्या है आपका विसर्ग से पहले आपके आ आ आएगा, विसर्ग से पहले आ आ आएगा, फिर विसर्ग का मेल घोष वर्ण से हुआ तब रा में परिवर्तन हो रहा है। यानी नियम नंबर 2 में हम रा विसर्ग को रा में परिवर्तित कर चुके हैं, अब दोबारा हम रा में परिवर्तित कर रहे हैं नियम नंबर 9 में। यानी नियम नंबर 2 और नियम नंबर 9 दोनों को आपको भले अच्छी तरह समझना पड़ेगा। नियम नंबर 2 को मैं करवा चुकी हूँ, जैसे शब्द था निराकार, निर्जन, दुर्जन, आपके ये शब्द में क्या थे आपके 9 में आपके विसर्ग र में परिवर्तित होता। अब आपके नियम नंबर 2 में दोबारा विसर्ग र में परिवर्तित होगा, तो इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा कि विसर्ग किस प्रकार र में परिवर्तित हो रहा है, तो हम आगे क्लास में देखेंगे। जिन्होंने भी मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप आई बटन पर प्रेस कीजिए, वहाँ आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। और जिनको भी मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं, आपको पता है अभी SI की भर्ती आ रही है, UPSI चल रही की भर्ती है, MPSI की भर्ती है, आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और की वैकेंसी आ रही है, तो इन सभी में आपके हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जिनको भी मेरी क्लासें पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या चैनल को लाइक कीजिए, तो इसमें मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक भली भांति पहुँच जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।